एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मिस्टर माफिया यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल सबसे ट्रेंडिंग में है ग्रुप सेल्फी बाय पबजी। सब कंफ्यूज है, क्यों यूज़ है, क्यों दिया है, ये क्या तकलीफ है पबजी वालों को। एक्चुअली इसको यूज़ करने के दो तीन तरीके आप पे डिपेंड है कि आप कैसे तरह इसे यूज़ कर सके। जैसे कि तो आप सभी को मालूम है, आप अपने स्क्वाड के साथ फ़ोटो ले सकते हैं। जब आपके बंदे सब साथ में रहेंगे तो ये ऑप्शन अपने आप आ जाता है आपके पास। तो अब हम चलते हैं टेंट पे। पबजी वाले भी अपडेट के साथ कुछ ना कुछ एडवेंचर देते रहते हैं हमें। तो हम चल रहे हैं गटका के टेंट पे। बहुत ही रिस्की प्लेस है ये फ़िलहाल आज के टाइम। आप इस ग्रुप सेल्फी को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अच्छे से किल कर सकते हैं आप। देखिए एक बंदा तो आ रहा है फिलहाल, देखते हैं। सेफ लैंडिंग। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप सेल्फी, जो ग्रुप आइकॉन पे मैंने क्लिक किया और मैंने एकदम प्लस कर दिया। देखिए मैं यहाँ पे टीपीपी ले रहा हूँ। देखिए ये, देखिए एक बंदा मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहा है। होपफुली वो भी शायद ग्रुप टीपीपी ही ले रहा हो। तो ये बस इस चीज़ के लिए है कि आप यहाँ पे टीपीपी ले सके आराम से, और कोई घास में सोया है या कहीं पे छुपा है तो उसको आप देख के अलर्ट हो सके। बस इतनी सी बात है इसका ग्रुप सेल्फी का। मैं तो इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। अब आप पे डिपेंड है आप कैसे इस्तेमाल करते हो। देखिए यहाँ पे ना ही कोई चार पांच बंदे हैं, ना ही मेरा स्क्वाड है, मैं अकेला हूँ तो भी मुझे ग्रुप सेल्फी का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब शायद यही है कि आप यहाँ पे टीपीपी लीजिए, कोई सोया हुआ है तो उसे देखिए और किल करिए। बट आप अगर स्क्वाड में खेल रहे हो तो आप सभी को टीपीपी लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक बंदे को बोलिए टीपीपी लीजिए और वो आपको डायरेक्शन बताते रहेगा कि बंदा यहाँ है, यहाँ प्लेयर है। इफ़ आपने ग्रुप सेल्फी चालू किया तो आपको फायर बटन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और वैसे नज़ारा तो बहुत ही शानदार है। ग्रुप सेल्फी का यूज़ मैं तो कुछ ऐसे ही करता हूँ। आप मुझे बताइए आप कैसे यूज़ करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।